मुझे ऐसा कहा गया कि ये साइक्लो नहीं, ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। एक दो तीन चार कार्बन है तो है। अब हो ये रहा था कि क्या ये रोटेशन पॉसिबल है? हाँ, रूम टेम्परेचर पे ये रोटेशन पॉसिबल है। तो कितने तरह के स्ट्रक्चर बन जाएंगे? इनफाइनाइट बन जाएंगे, हर एक एंगल पे एक ज्यादा बनेगा, इनफाइनाइट तरह के बन जाएंगे। तो क्या इनको आइसोमर्स में काउंट किया जाए? नहीं, मैं नहीं करना चाहता। नहीं तो हर एक के आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। डेफिनेशन ये हो जाएगी भैया इसके कितने? इनफाइनाइट। तो आइसोमर्स में मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, मैं अलग से आइसोमेरिस बोल सकता हूं इसके लिए, और उसको मैंने बोल दिया कन्फर्मर्स। आइसोमेरिस नॉर्मल नहीं है, एक स्पेशल तरह की आइसोमेरिस बोल दी, या फिर कन्फर्मर्स ही बोल दो। तो कन्फर्मर्स में तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं, मैंने उसकी क्लास बना दी। क्लास का मतलब इस कन्फर्मर्स को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो इसमें एंगल कितना होता है, यहां से लेके वापस यूं करके यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 360 डिग्री। तो मैंने हर 60 डिग्री वाले को एक ले लिया, तो 60 60 60 60 60 ऐसे। तो जब ये दोनों CH3 ग्रुप, बल्कि ग्रुप यही हुए, बाकी तो हाइड्रोजन है बेचारे नंगे भूखे हैं, छोटे छोटे से, कोई रिपल्शन होगा क्या? नहीं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे तो इसको बोलेंगे फुली एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? फुली एक्लिप्स। और रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अब जब ये एक दूसरे के 60 डिग्री है, कोई किसी के सामने नहीं है, कोई किसी के, तो क्या बोलेंगे इसको? गॉच। जब CH3 के सामने हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स। पार्शियली एक्लिप्स। अब क्या बोलेंगे इसको? एंटी। सब एक दूसरे से अपोजिट है और यहां रिपल्शन क्या है? मिनिमम है। या इसको बोल सकते हैं स्टेगर्ड। फिर क्या बोलेंगे यहां पर? पार्शियली एक्लिप्स, गॉच, फुली एक्लिप्स। तो आप मेरे साथ हैं, देखते जाएं और बताते जाएं। फुली एक्लिप्स, गॉच, पार्शियली एक्लिप्स, स्टेगर्ड या फिर एंटी। गॉच, फुली एक्लिप्स। तो हर 60 डिग्री घुमाते जाओ बहुत सारे चीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी। सबसे ज्यादा एंटी होगा क्योंकि कोई किसी के सामने नहीं है। फिर उसके बाद गॉच, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? फुली एक्लिप्स। तो बेटा हम आएंगे इस पॉइंट पे, मेरे को भी सब बताना है मेरे को, ठीक है ना? तो हम पहले तो तरीके से पढ़ते हैं कि है क्या कन्फर्मर्स का मतलब, है क्या हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, वी गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर बाय रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस स्ट्रक्चर आर नॉन बाय कन्फर्मर्स। तो शॉर्ट में क्या डेफिनेशन मिलेगी? डिफरेंट स्ट्रक्चर गेन बाय रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स बोलेंगे। और जब हम कन्फर्मर्स बोलेंगे तो हम इसको किस में समझाना पसंद करेंगे? हम न्यूमान में समझा सकते हैं, हम 100 हर्ट्ज में समझा सकते हैं, हम फिशर में समझा सकते हैं। नहीं, फिशर में नहीं समझा सकते। बोलो क्यों? क्योंकि फिशर इन सबका एक ही होता है। तो कन्फर्मर्स बताने के लिए हम कौन से अप्रोच यूज कर सकते हैं? न्यूमान या फिर सीहॉर्स, क्योंकि किसी का भी बनाओ फिशर तो सेम ही होता है। फिशर कभी भी सिग्मा रोटेशन कैसे भी करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में? ऐसा मैंने आपको बताया भी था कि इस रोटेशन से आपको आइडेंटिकल ही फिशर मिलेंगे। यस और नो? तो ये पॉइंट बन सकता है कन्फर्मर्स कैन बी शो बाय ओनली न्यूमान एंड सोहर्स। एंड सोहर्स बाय फिशर प्रोजेक्शन। वी कैन नॉट एक्सप्लेन
कंफर्मर्स, ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑल कंफर्मर्स हैविंग सेम फीचर, ऑल कंफर्मर्स हैविंग सेम, सेम व्हाट, सेम फीचर, कुछ कुछ समझ में आया? तो ये मेरा एक कन्फर्मर्स के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं, हेडिंग डालेगा कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो हमारे पास ब्यूटेन के अंदर चार कार्बन है और मैं इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग कन्फर्मर्स बनाना चाहता हूं। क्या इसमें बना सकता हूं? हां, लेकिन मैं इसके लिए बनाना चाह रहा हूं। तो जब मैं इसके लिए बनाऊंगा तो ये एक कार्बन होगा जिसकी तीन वैलेंसी होगी और एक कार्बन ये होगा जिसकी भी तीन वैलेंसी होगी। तो अलग अलग के लिए अलग अलग, मैंने ये वाला कार्बन पकड़ लिया CH3 और HH और CH3 HH, कोई भी एक कार्बन को पकड़ लिया आपने, हाँ या ना? अब आगे घुमाते जाओ, मिलते जाएंगे बहुत सारे कन्फर्मर्स। हर बार 60 डिग्री पे घुमाओ, वैसे तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इनफाइनाइट कन्फर्मर्स मिलेंगे, लेकिन हमने कुछ क्लास बना ली और सिर्फ 60 डिग्री पे घुमा रहे हैं। CH3 ये तो हमने फिक्स कर दिया है, एक को यहां CH3 पहुंच जाएगा, यहां H, उससे पहले थोड़ा सा ये तो 120 हो गया, हमारा CH3 यहां चला गया, ये H, ये H, एक और बन सकता है हमारा, CH3 HH। अगली बार हमने CH3 को और ऊपर ले गए, फिर HH, फिर एक और बनाते हम, किस तरह से बनेगा? ये तो हमने पकड़ ही रखा है CH3 HH, अगली बार हमने और ऊपर ले गए CH3 HH, हमने कितने कन्फर्मर्स बना लिए? चार, और हमें इतना आइडिया और हो गया कि अभी तो दो और बनेंगे। चलिए देखिए दो और कैसे बनेंगे, CH3 HH, इस बार इसको और घुमाया तो ये CH3 यहां जाएगा, CH3 HH, हाँ या ना? फिर एक और बार घुमा लिया CH3 HH और इस बार CH3 यहां आ चुका है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आपके पास कार्बन है, आप पीछे वाला घुमा रहे हो कंटिन्यू, सही है? तो सबसे ज्यादा ये होगा, इसको बोलेंगे फुली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स, क्या बोलेंगे? फुली एक्लिप्स। फिर क्या बोलेंगे हम इस जगह CSC गॉच, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? पार्शियली एक्लिप्स, एक्लिप्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? एंटी, या फिर हम इसको बोलेंगे स्टेगर्ड। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? पार्शियली एक्लिप्स। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? गॉच। सिर्फ
एक बार हमें फुली एक्लिप्स मिल रहा है जब दोनों साथ थे, और एक बार एंटी मिल रहा है। पार्शियली इक्लिप्स दो बार मिलेंगे, ये पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, और गॉज भी दो बार मिलेंगे पे 360 डिग्री घुमाने पे। तो आप इन सबको लिखें, ठीक है? तो सबसे ज्यादा, हां सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा अगर आपको लिखना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी, फिर कौन होगा? गॉज, फिर कौन होगा? पार्शियली एक्लिप्स, और फिर कौन होगा सबसे कम? फुली एक्लिप्स। ये स्टेबिलिटी हो गया ड्यू टू स्टेरिक क्राउड हिंड्रेंस। हम बात कर रहे हैं एक बार एनर्जी डायग्राम ऑफ कंफर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन हम अच्छे से जानते हैं, ब्यूटेन इस तरह का है, और हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि एक से लेकर चार तक हमने नंबरिंग करी। सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के अराउंड हम रोटेशन देख रहे हैं, यानी C2 वर्सेस C3 कार्बन रोटेशन, कार्बन रोटेशन हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, तो जब आप C2 C3 कार्बन के रोटेशंस को देख रहे हो तो अलग सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन हो सकता है, हाँ, अलग अलग रोटेशन पे अलग अलग कंफर्मर मिलेगा। इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं तो इनफाइनाइट आपको कंफर्मर्स मिलेंगे। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है कि मैं हर 60 डिग्री के कंफर्मर को ही इज्जत दे रहा हूं, और मैं निकालना चाह रहा हूं कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उनकी क्या एनर्जी होगी, और आगे मैं इसको और आगे ले जाऊंगा क्योंकि उनके पोलरिटी मोमेंटम क्या होगा। तो ये भी हमारे लिए हो गया कि डायपोल मोमेंट उनका क्या होगा, लेकिन उससे पहले क्या कंफर्मर्स हम देख सकते हैं? देखिए, मान लीजिए ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन में दोनों ही कार्बन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सही है, टेट्राहेड्रल होता है, और दोनों ही कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है आपको? जीरो जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आपको यहां पर बॉन्ड एंगल जीरो दिखाई दे रहा है तो यहां पर रोटेशंस यानी इस कार्बन के जस्ट पीछे ये वाला कार्बन आ रहा है, तो यहां पर कार्बन कार्बन जो एक बहुत बड़े बल्की ग्रुप है उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, और यहां अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप बात करेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए क्या होगी? सबसे ज्यादा, हायर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शो लेस स्टेबिलिटी। यानी अगर आप मानते हो कि ये बहुत सारे इसके कंफर्मर्स हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यानी ब्यूटेन एंड ब्यूटेन नहीं चाहता कि वो इस फॉर्मेट में रहे, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होने की वजह से कुछ क्वांटिटी इसमें रहेगी। आ रही है बात? मैक्सिमम क्वांटिटी इस फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, हमने थोड़ा सा रोटेट किया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रोटेट करते ही यहां हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अब इतना रिपल्शन नहीं हो रहा, और हम इसको बोलेंगे गॉज। ठीक है, तो इसकी एनर्जी पहले के कंपेयर में क्या होगी? कम हो जाएगी। हमने थोड़ा और रोटेट किया और एंगल हो गया 120, तो कार्बन, ये वाला कार्बन जो था ये इस हाइड्रोजन के पीछे चला गया, तो कार्बन हाइड्रोजन रिपल्शन होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कार्बन कार्बन है, तो सेकेंड हाइएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी और सेकेंड हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी भी होगी। तो ये सेकेंड हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली एक्लिप्स। फिर उसके बाद हमने और रोटेट किया, और जब हम इसको और ज्यादा रोटेट कर रहे हैं तो आपको CH3 CH3 बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट में अपोजिट में दिखाई देगा, और हम इसको क्या बोलेंगे? एंटी। तो ये हमारे लिए एंटी हो गया। फिर उसके बाद वापिस हमने और घुमाया, ये एक दूसरे के पीछे आ गए, पार्शियली एक्लिप्स। फिर वापिस घुमाया CH3, ये हमारे लिए क्या हो गया? गॉज। और फिर हमारे लिए क्या हो गया? फुली एक्लिप्स। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्स होता है, क्या आपको ये याद रहेगा? हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम किसका रहेगा? एंटी का, या सबसे ज्यादा एंटी का?
सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी इसी की है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका। फिर उसके बाद गॉच का, गॉच, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स, फिर उसके बाद फुली एक्लिप्स। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी, क्या आपको इसके अलावा भी कंफर्मर्स निकालने? हाँ, ये तो आपने किसका निकाला, एन ब्यूटेन का। ऐसे ही आपको प्रोपेन का, हेक्सेन का, ऑक्टेन का, नॉनेन का, डेकेन का, किसी का भी पूछा जाता है। तो चलिए कुछ इसी तरह के हम अपन बात करते हैं अलग अलग कंफर्मर्स के। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है मेरा, इसके बाद ड्रॉ द स्टेबल कंफर्मर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये लिख लिया आपने अच्छे से, हाँ या ना? ये पूरा डायग्राम बना लिया, चलिए लिखिए इसको। अगला हमारा स्टार्ट हो रहा है कंफर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, के बाद हम ले रहे हैं पेंटेन, एन पेंटेन, कंफर्मर्स ऑफ एन पेंटेन। तो देखिए एन पेंटेन, ये हमारे पास एन पेंटेन हो गया, सही है। मैं आइसो पेंटेन का भी लूंगा भी, या नियो पेंटेन का भी लूंगा, लेकिन पहले एन पेंटेन। और मैंने कहा सी टू रेशो सी टू डैश सी थ्री का बेस्ट बनाइए आप। तो सी टू थ्री के लिए ये 1 2 3 4 5, इसका सबसे स्टेबल कंफर्मर्स कौन सा होगा? देखिए ये मान लीजिए सी टू कार्बन है, और ये पीछे की तरफ दिख रहा है सी थ्री। तो सी टू कार्बन पे कौन कौन दिखाई देगा आपको? सी एच थ्री, और इस तरफ कौन दिखाई देगा? एच, और इस तरफ कौन दिखाई देगा? एच। ये है सी एच थ्री कार्बन, ये वाला सी थ्री कार्बन, यानी ये सी थ्री है। तो इसमें आपके पास क्या होगा? इथाइल। तो अब आपके पास यहां से सी टू एच फाइव इस तरफ हो गया, और यहां क्या हो गया? एच, और ये हमारे पास एच। तो टोटल कितने कार्बन है? 2 3 4 और एक ये 5। ये इसका स्टेबल कंफर्मर्स है, वैसे ही सोचना है। तो स्टेबल कंफर्मर्स आपको बनाना है ए, एक और हम बना रहे बी, बनाते जाइए मेरे साथ। एन अगला बनाना है आपको, ए बी को छोड़ दीजिए, यहां लिखिए कंफर्मर, स्टेबल कंफर्मर। यहां पर भी हमें यही लिखना पड़ेगा, स्टेबल कंफर्मर ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन किस तरह का होता है, क्या आप जानते हैं? आइसोब्यूटेन हम इसको बोलते हैं, और सी टू सी थ्री, आइसोब्यूटेन नहीं ले रहे हम, ये है हमारे लिए आइसोब्यूटेन, और ये हमारे पास हो गया 1 1 2 3 कार्बन। तो हम इसको कैसे देखेंगे? मान लीजिए ये कार्बन हमारा कोई भी एक है, हमने इसका नाम क्या रख दिया? C2, कुछ तो रखना पड़ेगा, और ये हमारे लिए क्या हो गया? C3, ये C3। तो जो C2 कार्बन है इस पे दो CH3 हैं और एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है? और C3 कार्बन जो है उस पे तो सारे क्या हैं? हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन ही है सारे, दिख रहा है C3, बस एक कार्बन से जुड़ा हुआ था वो यहां है ही। तो ये हमारे पास स्टेबल कंफर्मर्स हो जाएगा इसका। आ रही है बात समझ में? कैसे पता चला इसमें चार कार्बन है? 1 2 3 4। एक और एग्जांपल बनाते बनाते जाइए, अब आपको मेरे से पहले बनाना है स्टेबल कंफर्मर ऑफ आइसो पेंटेन। कैसे सोचेंगे आइसो पेंटेन? पहले तो आइसो पेंटेन बनाइए आप, या आइसोपेंटेन है, और मैंने यहां दे दिया सी टू सी थ्री। तो ये 1 2 3 4 सी टू कार्बन आपने ये पकड़ लिया, ये सी टू कार्बन है, सी एस थ्री सी एस थ्री, और एच सी एस सी एच
सही है। और पीछे की तरफ जो कार्बन है ये सी थ्री है, ये सी थ्री आपके पास आ गया, दिख गया आपको सी थ्री। अब सी थ्री कार्बन से कितने सी एस सी जुड़े हुए हैं, एक, तो ये आपने एक ले लिया, बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपके लिए आइसोपेंटेन। एन हेक्सेन स्टेबल कंफर्मर ऑफ एन हेक्सेन, हेक्सेन हो गया ये, तीन कार्बन, तीन कार्बन छह, और मैंने दिया है यहां पर सी थ्री सी फोर, वन टू थ्री और फोर, तो ये आपने पकड़ लिया सी थ्री। सी थ्री पे कौन जुड़ा हुआ है, एक तरफ सी टू एच फाइव पक्का, तो मेरे पास सी थ्री यहां पर इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, तो एक तरफ तो सी टू एच फाइव है, बाकी दो वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन की, ये कार्बन जो सी फोर है, ये सी फोर वाला कार्बन इसके पीछे जुड़ा हुआ है, सी फोर और सी थ्री एक दूसरे से अटैच्ड है। अब सी फोर से क्या जुड़ा हुआ है, सी फोर से भी इथाइल जुड़ा हुआ है, सी टू एच फाइव एच एच, बेटा ये सी थ्री है, सही है ना, तो मैंने ये सी थ्री ले लिया डॉट, सी टू सी थ्री पूछा ही नहीं है, थ्री और फोर पूछा जा रहा है, और अगर आपसे सी टू सी थ्री पूछा जाता तो आप कैसे बनाते, सी टू सी थ्री के लिए सी टू पे कौन जुड़ा हुआ था, सी एच थ्री, बाकी दो एच है और एक एस, ये सी थ्री हो जाता, अब उस पर क्या होता, सी थ्री एच सेवन, कुछ समझ में आ रही है बात, कंफर्मर स्टेबल कंफर्मर, ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, आपसे आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ये आइसो ऑक्टेन है, हाँ या ना, आइसो ऑक्टेन यही होता है, और आपसे कहा जा रहा है आइसो ऑक्टेन में नंबरिंग यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, आपसे आइसो ऑक्टेन के लिए पूछा जा रहा है सी थ्री वर्सेस सी फोर के बीच में बताइए, सी थ्री सी फोर, तो आप पहले तो सी थ्री को देखिए, ये सी थ्री है, आपने यहां से जोड़ा ये कार्बन, ये जोड़ दिया आपने, थ्री डिग्री कार्बन जोड़ा हुआ है, जोड़ दिया, अब आगे सी फोर ये कार्बन है, सी फोर से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपके पास मजबूरी है एक सी एस सी तो यहां रहेगा ही रहेगा एनटी में, और एक आपके पास क्या चला जाएगा, पार्शियली, पार्शियली समझ में आ रहा है, तो ये पार्शियली अगर आप लेते हैं सी एस थ्री तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां जाएगा और ये क्या जाएगा, यहां आएगा, तो आपके पास एक बार काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये एक तरह से देखा जाए तो ये तो एंटी पोजीशन हो गई, ये इसके साथ गॉच वाली पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि सी फोर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कुछ समझ में आया, तो बताइए अगर आपसे उल्टा पूछा जाता, ये पूछा जाता तो क्या आप इसका आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं क्या, हाँ इसको इसमें कन्वर्ट करके आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं, बिल्कुल, बेटा मैंने पूछा है थ्री फोर, तो मुझे ये वाला कार्बन थ्री लेना है, ये फोर लेना है, ये तो तय हो गया, थ्री पर ये वाला ग्रुप पूरा जोड़ना है मेरे को, पूरा जो भी है, यानी ये कहलाएगा आपके लिए देखा जाए तो थ्री डिग्री टर्शियरी ब्यूटाइल,
अपने आप में टर्शियरी ब्यूटाइल, और बाकी की क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन जुड़ गई इससे। समझ में आया कुछ? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए जो कि स्टेबल कंफर्मर्स आपको बताने में मदद कर रहे हैं। अब आगे लिखते जाएं इसको। अगला पॉइंट, आपको बताना है, की पॉइंट की तरह लिखना पड़ेगा बताने से पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट या गुरु मंत्र, आप कुछ भी पॉइंट डाल दीजिए। इन केस व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर तब स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और क्या रहेगा आपके लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा, गॉच। गॉच के बाद कौन रहेगा? गॉच, गॉच के बाद आएगा एंटी, एंटी के बाद पार्शियली एक्लिप्स, फिर फुली एक्लिप्स, ये हो जाएगा तब जब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में दिख सकती है? OH, F, OH, Cl और OH, NH2, लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो मैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने लिया, यहां मैंने एग्जांपल लिया, इससे ड्रॉ स्टेबल कंफर्मर ऑफ फॉलोइंग। एक ए मेरे पास है CH2OH, CH2OH, क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ। तो पता है क्या होगा, ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल के लिए अब मेरे पास ये कार्बन है, मैंने यहां पर OH लिया, यहां H है, यहां H है, ये तो रहा ये वाला कार्बन जिसपे एक OH और दो हाइड्रोजन है। अब दूसरा जो स्टेबल होगा वो यहां गॉच बनेगा, OH, H, H। ये OH इस तरफ की जगह इस तरफ भी लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना गॉच चाहिए। और यहां पर दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो आपको वैसे नहीं दिखाई दे रही लेकिन होती है। आपको लग रहा होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटी में आ जाएगी, नहीं, एंटी नहीं, फुली एक्लिप्स नहीं होता, क्योंकि फुली एक्लिप्स में ओ ओ ओ के सामने आता है, और हमें क्या चाहिए, ओ के सामने क्या चाहिए, एच, ओ के सामने एच चाहिए, इसका मतलब हमें गॉच की तरफ जाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे ज्यादा गॉच होगा। फिर बच्चा ये सोचता है एनटी में चलो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, कुछ तो होगी, नहीं, ओ जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बी CH2Cl और CH2OH, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही सोचना है, OH Cl H H H H, और यहां पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए ये स्टेबल इसकी फॉर्मेट दिख रही है आपको। यहां आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन ब्रोमीन भी लेते हैं तो भी यही दिखा देखा। हाँ बेटा, नहीं होगा बेटा, इतना दूर पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी टेंस टू जीरो ही हो जाएगी। आप सोचिए कि ये OH ऊपर है और पीछे वाले कार्बन में, पहले इतनी डिस्टेंस होगी दोनों कार्बन में और नीचे की तरफ जाएगा, कैसे बनाओगे आप?
आ रही है बात समझ में? ये इस तरह से दोनों कार्बन अटैच है, उसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, तो एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी। वो ऐसे नहीं है कि एक ही कार्बन पे दोनों OH और Cl जुड़े हुए हैं, नहीं, वो अपोजिट दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये उधर और ये नीचे। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी ओ एच सी फ्लोरीन ले लीजिए आप। यहां पर फ्लोरीन सी एच ओ ओ एच एन एच टू एन एच कुछ भी इस तरह का आप ले सकते हैं, आपको सेम वही चीज दिखाई देगी, ओ एच 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 फ्लोरीन फ्लोरीन, जहां जहां आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे सकती है वो सारे केसेस में आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्मेट क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली गॉच। लिखिए इसको। तो आपने मुझसे यहां पर बहुत सारे चीजें समझी है, ध्यान रखना ये एच एच कर दीजिएगा क्योंकि ये दो एक ही फ्लोरीन था। एक और पॉइंट हो सकता है डी, अलग ही केस है, इस तरह का केस मैं ले रहा हूं कि मेरे पास यहां पर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन पेंटेन ब्यूटेन कुछ भी आए साइक्लिक दे रखा है, फिर ये कार्बन दिया हुआ है जो कि अपने आप में कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है या 1 डिग्री भी हो सकता है। तो मैंने इसको सी एच थ्री एच और सी एच थ्री ले लिया और इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैं आपको कंफर्मर बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्टेबल कंफर्मर, स्टेबल कंफर्मर कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस केस में जब एक पार्ट साइक्लिक हो जाए, अब तो आप इस जगह हमेशा आंसर क्या होगा, मोर मोस्ट स्टेबल कंफर्मर, कंफर्मर इज गॉच, इस जगह भी गॉच होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत आसान है, ये आपने एक ले लिया सही है, ये आपने ले लिया CH3 CH3H। अब जो पीछे वाला कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है, इसमें गॉच वाली फॉर्म कहां से निकलेगी, यहां यहां, ये किससे अटैच हो रहा है, इस कार्बन से पक्का, तो यहां इस वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, यही ये कार्बन। और अब आपको कितने कार्बन है, एक तो वो हो ही चुका, 6 कार्बन वाली रिंग बनानी है, इस तरह से बनाना सीख लीजिए, आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा उसके लिए, गॉच, CH3 CH3 गॉच, ये रिपल्शन कम होगा, अगर यहां पर CH3 होता तो रिपल्शन बढ़ जाता। तो मेरे हिसाब से अगर ये साइक्लोहेक्सेन नहीं होता, पेंटेन होता, तो मैं लाइन यहां से बना देता, ब्यूटेन होता तो मैं लाइन इस तरह से बना देता, और हमारे पास ये हमारे पास हो गया, और इसके अलावा यहां पर एक हाइड्रोजन इसका भी होगा, इस कार्बन का जो इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 और 6, 6 3 कितने हुए, 9, 1 2 3 और 6 3 कितने हो गए, 9, बाकी तो सब हाइड्रोजन है। तो चलिए इस पे एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं अपन, बहुत ज्यादा तो देखो कोई नहीं देगा, आप भी अभी 12th क्लास में, कोई PhD तो कर नहीं दे रहे, क्या चाह रहे हो, ठीक है ना, हर चीज एक लिमिट में देंगे, मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एक और प्रैक्टिस अगर आपको कराई जाए, तो ये आपके पास CH3, ये मैंने ले लिया CH3 और H, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो गया, और अगला पॉइंट अगर यहां पर पेंटेन होता, तो 1 2 3 4 5 ये पेंटेन हो जाता और यहां पर एक हाइड्रोजन हो जाता, बस उल्टा पूछा जाता, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो आप कितना आसानी से बना सकते हैं।
क्या ये बना सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसका आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं? हाँ, मेन चेन कौन सी रहेगी? पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि उसके अंदर पांच कार्बन है। और ये क्या रह जाएगा एक तरह से, एक दो तीन, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, या आप बोल सकते हैं वन मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंफर्मर्स बता दिए। देखिए ये क्वेश्चन है जिसके अंदर इस तरह का दिया है कि हमें कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमें सीधा एग्जांपल दिया गया है, कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्यूशन वेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेगर्ट इतना दिया है, स्टेगर्ट, और डायपोल मोमेंट ऑफ गॉज इतना दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है ये ज्यादातर क्या हो सकता है, हो सकता है ये एन ब्यूटेन हो या हेक्सेन हो। चलिए फिलहाल तो सॉल्यूशन करते हैं। हम इतना जानते हैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तीन की वजह से होगा, एक गॉज, एंटी और स्टेगर्ड। एंटी को तो स्टेगर्ड फुली एक्लिप्स, तो ये ले लिया फुली एक्लिप्स और इसका डायपोल मोमेंट फुली एक्लिप्स प्लस गॉज मल्टीप्लाई बाय डायपोल मोमेंट ऑफ गॉज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेगर्ड मल्टीप्लाई बाय डायपोल मोमेंट ऑफ स्टेगर्ड। सही है? कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ एन ब्यूटेन, ज्यादा अच्छा होगा कंपाउंड ही दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि कौन सी वैल्यू जीरो होगी? आपको ऐसा नहीं लग रहा फुली एक्लिप्स की क्वांटिटी सबसे कम होगी? भाई न्यूमेरिकल तो करना है, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होगा? टेंस टू जीरो ही होगा, ये दोनों जीरो नहीं होंगे। ये वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेगर्ड यानी एनटी सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है इसने इस क्वेश्चन में? 0.7, तो ऑटोमेटिकली ये कितनी हो जाएगी? 0.3, और ये अप्रोक्सीमेट जीरो, एजम्पशन मानना है, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, उसने कहा है अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट। अच्छा ये वैल्यू जीरो हो गई, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि एनटी के लिए ये वैल्यू डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा एन ब्यूटेन का? जीरो। हाँ या ना? ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब आप मुझे तीनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जीरो मल्टीप्लाई बाय कोई भी वैल्यू हो जीरो प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 5.5, तो 5.5 मैंने लिख दिया प्लस ये वैल्यू कितनी है 0.7 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ओवरऑल क्या हुआ? जीरो प्लस जीरो प्लस दिस, तो 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 1.65 बस म्यू की वैल्यू। क्या ये आंसर नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं हम, क्यों नहीं करेंगे? आया हुआ क्वेश्चन है ये, आ रही है बात समझ में? तो वही बच्चा कर सकता है जिसको नॉलेज हो एन ब्यूटेन की, उसे मालूम हो कि तीन कन्फर्मर्स हैं मेन, एक गॉज जिसे आप एंटी बोलते हो, पार्शियली एक्लिप्स फुली एक्लिप्स, बस बाकी के हमने पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स हमने कितना मान लिया? अप्रोक्सीमेट जीरो। हमने किसको लिया है? सिर्फ गॉज एंड स्टेगर्ड जिसे एंटी बोल सकते हो, दो की वजह से कितना डायपोल मोमेंट है। और बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये मान लिया इन दोनों का समेशन वन होगा, और ये मानते हुए एजम्पशन कि इन फुली एक्लिप्स एंड पार्शियली एक्लिप्स ऑलमोस्ट कितना है? जीरो है। आप चाहो तो पार्शियली एक्लिप्स वाला अपन ने कॉलम छोड़ रखा था, तो एक्स पार्शियली एक्लिप्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियली एक्लिप्स ये भी अप्रोक्सीमेट क्या होगा? जीरो 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 दिस दिस, तो चार वैल्यू है, चार तरह की वैल्यू है, इसमें से तीन जीरो है, एक से अपन ने आंसर निकाल लिया। करना जरूरी है। आगे नए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। लिख लिया आपने ये?
चलिए ठीक। तो अब बात करते हैं अपन कंफर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मर्स लिखिए, कंफर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। देखिए आप साइक्लोहेक्सेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन। सही में क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है छे के छह कार्बन ही एक ही प्लेन में है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कार्बन पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल। पक्का कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारे कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में, और टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये क्या हो रहा है, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में ये कार्बन ज्यादा ज्यादा आप सीधा कर सकते हो इसी प्लेन में, क्योंकि इस कार्बन पे कितनी वैलेंसी एक प्लेन में आ सकती है, दो, दो से ज्यादा नहीं ला सकते। अगर इस कार्बन को ऊपर लाओगे तो इसका हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा उस प्लेन में, तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। यानी ये ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट, लिखते जाए मेरे साथ, नॉट ए रियल स्ट्रक्चर। तो ये किस तरह की एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, इसको बोलेंगे अपन चेयर फॉर्म। अब क्या हुआ, इसने चेयर बना ली इस तरह से ऊपर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ चेयर, हाफ चेयर। फिर हाफ चेयर में होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया हमारे लिए, बोट फॉर्म। और फिर हो सकता है ये वाली चीज नीचे आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर चेयर फॉर्म हो गया। तो ये इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ये मानता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ये है और ये है, बाकी इतनी कम स्टेबल है ये दोनों कि हम इसको कंसीडर टेंस टू जीरो ही कर रहे हैं तो अच्छा है। तो मेन चीज क्या हो गई, मेन ये हो गया कि ये हमारे पास इस फॉर्मेट में रहती है बस, बाकी के बीच की बहुत सारी स्टेट आती है। एक स्टेट और आती है जिसको अपन बोलते हैं ट्विस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्विस्ट फॉर्म बनाए आप, ट्विस्ट फॉर्म इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास हो गई ट्विस्ट फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, एक दो तीन चार पांच छह। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब साइक्लोहेक्सेन की अलग अलग फॉर्म हो गई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मैं आपके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर पे वर्क कर रहा हूं और इसको एक डायग्राम से समझा रहा हूं, तो आप ये बना लीजिए, फिर अपन एक स्टेबिलिटी ऑर्डर डायग्राम बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने एन ब्यूटेन का बनाया था। करिए इसको, तो मित्रों बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स और डायग्राम हम साथ कर रहे हैं। कंफर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अलग अलग कंफर्मर्स आपको दिख रहे हैं, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर एंड चेयर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या है, कम है। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और मेरे लिए यहां पर सबसे स्टेबल कौन है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद कौन है, ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट के बाद कौन स्टेबल आ रहा है, बोट, और सबसे कम स्टेबल कौन है, हाफ चेयर। अक्सर बच्चे यहां पर ट्विस्ट बोट को सबसे ज्यादा अनस्टेबल मानते हैं, जबकि गलत है। सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, जबकि ट्विस्ट बोट सेकेंड नंबर पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां क्या हो रहा है, ये रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउड होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां देखिए, यहां ये जो बल्की ग्रुप है
वो और यहां पर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो यहां 3D के अंदर देखने पे आपको पता चलेगा कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। समझ में आया? तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर आपसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर पूछ लिया जाता तो उल्टा हो जाता। हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती? सबसे ज्यादा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये तो एक पार्ट रहा इसका साइक्लोहेक्सेन का, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने? ये हटा दूं मैं? बोलो यस। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने हटा दिया। अब अगला पॉइंट, हम जिस साइक्लोहेक्सेन को देख रहे हैं वो हमारे को मेन किस तरह से दिख रही है, ध्यान से देखिएगा। ये साइक्लोहेक्सेन अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह से दिखेगी, यस और नो? तो होगा क्या, साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 12। तो हर हाइड्रोजन एक एक बना रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन इस तरह से होगा, एक हाइड्रोजन जब इस तरह से होगा तो इसके जस्ट नीचे ऐसा होगा, एक ऊपर होगा, फिर एक नीचे होगा, फिर एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। कोई समझ में आ रहा है? तो ये साइक्लोहेक्सेन की पोजीशन है जिसमें आपके पास सिर्फ 6 हाइड्रोजन मैंने रिप्रेजेंट करे हैं, 6 6 अभी भी बाकी है, क्योंकि ये सारे सारे एक ही पैरेलल एक्सियस पे हैं। तो ये सब हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूंगा, इस तरह के हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा मैं? एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ और भी हाइड्रोजन होंगे, और वो कुछ की क्वांटिटी कितनी है? 6। वो कहाँ होंगे? इक्विटोरियल में। मान लीजिए ये 1 2 3 है, सही है? तो वो क्या क्या होगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा इसके साथ, 1 2 3 टेट्राहेड्रल दिख गया, ये इसके साथ टेट्रा 1 2 3 टेट्राहेड्रल, ये इसके साथ 1 2 3, देखिए ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल, यहां पर हर जगह टेट्राहेड्रल दिखेगा, 1 2 3 और ये टेट्राहेड्रल, यहां ये इसके साथ टेट्राहेड्रल, ये इसके साथ टेट्राहेड्रल। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं, 1 2 3, हाँ सही है। तो हर तरफ आपके पास कितने टोटल हाइड्रोजन हुए? 6 प्लस 6 12। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले का बच रहा है तो ऑब्वियसली बन जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास 10। आ गई बात समझ में? तो इस हाइड्रोजन को क्या नाम दूं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है? इक्वी टोरियल हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? इक्विटोरियल और एक्सियल क्या अंतर आ रहा है? एक्सियल आपको हमेशा एक सीधी लाइन में दिखाई देंगे एक्सियल, और इक्विटोरियल इस कार्बन से दूर की तरफ जाएंगे, जो कि एक्सियल नहीं है वो इक्विटोरियल है। आ गई बात समझ में कुछ? चलिए ठीक है। अब आगे, ये तो हमने पढ़ लिया इक्विटोरियल और एक्सियल, मुझे एक और समझाना है, क्या ये हाइड्रोजन के साथ क्या नाम होगा? इन सबके नाम लिख देते हैं अपन, बहुत जरूरी है नाम लिखना मेरे लिए। मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, ये सिक्स है, 6 कार्बन है, और इन सबके नाम भी लिख लीजिए, ये ए एक्सियल 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 एक्सियल, और इक्विटोरियल वालों के नाम भी लिख लीजिए, ये इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल, ई का मतलब इक्विटोरियल, और मैंने सभी इक्विटोरियल के नाम भी लिख लिए। समझ में आ रहा है? तो अब आप मेरे को बताइए, कुछ पॉइंट्स लिखते हुए, एच ए फर्स्ट, इससे क्या पता चला है? एक्सियल फर्स्ट कार्बन वाला, और एच ए एक्सियल टू, यानी ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट है, पक्का? तो ये क्या बनाएंगे? ट्रांस। क्या बनाएंगे? ये पोजीशन क्या कहलाएगी? ट्रांस। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, HE1 और HE2, ये इस तरह से, मान लीजिए ये कार्बन है, इसने पकड़ रखा है यूं, और ये कार्बन है, इसने पकड़ रखा है नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे,
ट्रांस बिल्कुल दिख नहीं रहा है, इवन 3D के अंदर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांस, ये एक दूसरे के ट्रांस है, ये एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिस, और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिस। तो मैं कुछ इसी तरह का बात कर रहा हूं, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ट्रांस, पक्का। और अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं, एच ए वन डैश एच ई टू, वन और टू को देखना पड़ता है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिस। दूसरी तरफ एच ई वन और एच ए टू, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिस। समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट हो रहा है, एच ए वन यानी ये वन, ठीक है, और एक एच ए थ्री मैंने ले लिया, एच ए थ्री यानी ये और ये, क्या एक ही डायरेक्शन में ही नहीं आ गए, सिस। तो यहां पर किसका इंतजार हो रहा है, गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र क्या कहता है, एक बहुत फास्ट आंसर देने का ये सबसे अच्छा मंत्र है, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को ध्यान से सुन लो, फिर एक साथ लिख लीजिएगा, टाइम दूंगा मैं लिखने का। ये कहता है कि अलग तरह से बनाया है, डिफरेंस बिटवीन कार्बन पोजीशंस, कार्बन पोजीशंस। अगर, और दूसरा आ रहा है, आप सिमेट्री ले रहे हो या अनसिमेट्री, सिमेट्री सीटी। तो देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम दिया जा रहा है, जैसे सी टू सी वन में कितने का डिफरेंस है, वन, सी फोर सी टू में कितने का डिफरेंस है, टू, सी फोर सी थ्री में कितने का डिफरेंस आएगा, वन। तो ये सारे नंबर ये क्या कहलाएंगे, ऑड, इवन। डिफरेंस तो पता लगा ना, सीख लिया, चार माइनस दो कितना होता है, दो, और दो क्या होता है, इवन, ये क्या हो जाएगा, ऑड। सिमेट्रिसिटी यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए और ई मल्टीप्लाई बाय ई यानी ई ई, ये दोनों क्या कहलाएगा, सिमेट्री। और सिमेट्री को मैं क्या लूंगा नाम, इवन, और ए मल्टीप्लाई बाय ई या ई मल्टीप्लाई बाय ए पोजीशन को क्या लूंगा मैं, अनसिमेट्री, और इसको मैं नाम दूंगा ऑड। अब ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होता है, गुरु मंत्र में ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या रहेगा, इवन, और इवन मल्टीप्लाई बाय इवन क्या होगा, ये भी इवन होगा। ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन क्या होगा, ऑड, और इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होगा, ऑड। तो जब भी इवन आ रहा है तब आंसर सिस होगा, और जब भी ऑड आ रहा है आंसर क्या होगा, ट्रांस। अप्रोच समझ में आई, नहीं आई, सुनना, मैंने दिया, ध्यान से सुनना, एच ए और दे दिया कौन सा कार्बन, थ्री कार्बन सी थ्री, और एक दे दिया मैंने एच ई कौन सा कार्बन, सी फाइव। तो आप मेरे को बताओ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इवन, और ए और ई मिलके क्या बन रहे, ऑड, ऑड और इवन मिलके क्या आएगा, नेट ऑड, और ऑड से आंसर क्या आएगा, ट्रांस। इजी है समझना, तो प्रैक्टिस और कही जाए, आप पहले तो ये गुरु मंत्र को लिखो अच्छे से। देखिए हमने हमारी अप्रोच पढ़ ली और हमने ये भी कुछ कर लिया, तो अभी तक तो हमारे को ये समझ में आया कि हाँ भाई साइक्लोहेक्सेन है, छह कार्बन तो सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे होते हैं और बाकी के छह कार्बन कहाँ होते हैं, इक्विटोरियल में। हर कार्बन पे एक एक्सियल होता है, वो एक्सियल ऊपर भी हो सकती है, वो एक्सियल नीचे भी हो सकती है, और इक्विटोरियल ऐसे होता है, अगर ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे जाएगा और नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे वो टेट्राहेड्रल जैसी शेप गेन कर सके, आपने देख ही लिया। लेकिन अभी भी मुझे सिस और ट्रांस के लिए बनानी है एक टेबल, तो चलिए ये टेबल आपका इंतजार कर रही है, और आप मुझे बताएंगे पोजीशंस को लेते हुए। तो
तो एक अच्छी सी टेबल बना ले अपन, पक्का? तो मुझे बताइए, मैंने कुछ बना लिया, मैं ले रहा हूं पोजीशन 1 2 1 3, समझ रहे हैं आप, 1 4 1 5 और लास्ट में 1 6, ठीक है, ले लिया ले लिया। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 6 या कुछ भी और ले सकते थे। मुझे यहां ये बनाना है कैसे भी करके कि बनने वाली एल्केन सिस रहे, बनने वाली एल्केन क्या रहे, सिस, और इस तरह बनाना है कि ट्रांस रहे। तो 1 3 कार्बन पे, सॉरी 1 2 कार्बन पे सिस कब रह सकती है? अगर मैंने ई ए ले लिया, यानी फर्स्ट कार्बन का तो ई हो गया और ये ए, तो बताओ ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, इवन या ऑड? ऑड। और 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? ऑड। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या आएगा? इवन। इवन किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस को। तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ए और ई, पक्का? ये तो हमारे लिए ऑड डिफरेंस आ गया। अब यहां क्या लिखूंगा, ए ए या फिर ई ई? बोलो यस और नो, कुछ कुछ समझ में आया? अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का, यानी क्या हो गया, इवन। और मुझे सिस चाहिए, यानी इवन चाहिए, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, इवन पेयर होना चाहिए। तो इवन क्या होगा, या तो ई ई या फिर क्या होगा, ए ए। यहां क्या चाहिए, ये इवन है, बीच का डिफरेंस 3 - 1 2, और मुझे ट्रांस चाहिए, तो ये क्या चाहिए मुझे, ऑड, क्योंकि इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड ही ऑड आएगा, ऑड का मतलब ट्रांस। तो क्या चाहिए, ए ई या फिर ई ए। अब समझ में आ रहा है, 1 4 ले लिया मैंने, कितने का डिफरेंस आएगा, 3 3, तो वैसे का वैसे ही हो गया, और तो या तो ये ई ए हो जाएगा या फिर, कितना इंटेलिजेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए ए ई ई, क्योंकि ये इवन का डिफरेंस है, सर कितना डिफरेंस है, 3, ऑड का, और ये भी ऑड है, ऑड, सॉरी ये इवन है, ऑड और इवन मिलके क्या बनेगा, ऑड इवन मल्टीप्लाई करके ऑड बनता है, और ऑड ट्रांस को बोलते हैं, क्या बात है। 1 और 5 का क्या डिफरेंस होगा, इवन। तो इसको इस तरह से देख लिया जाए, यानी 1 का ई और 5 का ई, या ए ए, ए ई या ई ए। 1 6 कितने का डिफरेंस है, फास्ट, 5 का डिफरेंस, 5 ऑड, यानी कि ई ए ए ई ए ए ई ई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यही टेबल में और आगे ले जाता हूं, ले जा तो सकता हूं मैं, सिस ट्रांस, कौन सा डिफरेंस ले जाना चाह रहा हूं, 2 3 2 4 2 5 2 6, और एक में ले जा रहा हूं 3 5। तो जल्दी से बताइए, 2 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 ऑड, तो वो वही होगा जो 1 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ई ए ए ई, यहां पर हो जाएगा ए ए ई ई। 2 4 कितने का डिफरेंस है, 2 का, ई ई ए ए, यहां ए ई ई ए। ये 2 और 5 में वही डिफरेंस है जो 1 और 4 में, यानी कि 3 का, 3 का डिफरेंस होते ही ई ए ए ई, और यहां क्या हो जाएगा, ए ए ई ई। 2 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, इवन, और 2 6 में वही डिफरेंस है जो 1 और 4 में है, ई ई ए ए ई ए ए ई। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 का डिफरेंस किसमें था, इसमें था, वही पेयर लिख लो, ई ई ए ई ए ए ए ई ए। तो क्या आपको बताना आसान नहीं हुआ, सिस और ट्रांस को कितनी जल्दी बता दिया, बहुत जल्दी। तो अगर आपसे अचानक कोई पूछ ले, ये आपको साइक्लोहेक्सेन दी हुई है,
यहां दे दिया देखो ये H, ठीक है, और ये H H और ये वाला H लिया जबकि ऊपर जाता है, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो जिसमें भी है अगर आपको नंबरिंग नहीं दोगे तो आपका फायदा नहीं होगा. 1 2 3 4 कितने का डिफरेंस है? 4 माइनस 1 3, 3 का डिफरेंस है यानी ऑड. और ये एक्चुअल इक्विटी ट्यूटोरियल है, ये भी क्या है? ऑड है, ऑड ही है, ये एक्चुअल है और ये इक्विटोरियल है, तो ये भी क्या हो गया? ऑड. ऑड ऑड क्या मिलके बनेगा? इवन. और इवन किसको बनाएगा? सस को, यानी एक दूसरे के क्या है? सस आइसोमर्स है. तो बताना आसान किया या नहीं किया मैंने? बोलो यस और नो. आसान या बहुत आसान? बहुत आसान. वेरी गुड. उतार लीजिए सबको. अभी हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी एंड फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा मैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब है साइक्लोहेक्सेन पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. ध्यान से देखिएगा, हो ये रहा है कि ये साइक्लोहेक्सेन की दो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्मेट है. या सुनो, एक ये है और एक आपके लिए ये है. इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? दोनों बराबर है, हम सब जानते हैं दोनों बराबर है. तो ये कितनी हो जाएगी? 50% रहेगा. और ये भी कितना रहेगा? 50%. दोनों 50% रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 50/50 कितना होता है? 1. बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है. मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि बोर्ड को इस तरह से नहीं बना के अब मैंने कैसे बनाना सीख लिया. ध्यान से देखिएगा, एक को मैं ऐसे ये वाली जो है साइक्लोहेक्सेन, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना, और इसको ऐसे. अब आप कहेंगे ये कैसे बनाया? देखिए, इस तरह से बनाने लग गया मैं, थोड़ा सा डेकोर टाइप. और यहां पर मेरे पास जब इस तरह की साइक्लोहेक्सेन है, यानी कुल मिला के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की इस तरह बनाने की. बस शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे हम ऐसे. आ रही है बात समझ में? फटाफट. तो इतना ज्यादा नहीं लेके हम और इसको ऐसे ले सकते हैं. कोई दिक्कत बनाने में? प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है. ये हमने एक चीज तो पढ़ लिया कि हम साइक्लोहेक्सेन को कैसे बना रहे हैं. दूसरा पॉइंट, ये तो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया. दूसरा, एल्काइल ग्रुप आर मोर स्टेबल एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशंस, इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू एक्सियल. सिर्फ ट्रांस से नहीं देखना मुझे, मुझे किससे देखना है? इक्विटोरियल से. जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप इक्विटोरियल पे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. समझ में आ रही है मेरी भाषा? कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं आपसे इस पे एग्जाम्पल पूछता हूं, एग्जाम्पल कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कंपेयर स्टेबिलिटी में, ये हमारे पास एल्काइल हो गया और मैंने यहां ले लिया सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच, यानी कुल मिला के 2 डिग्री एल्काइल मैंने ले लिया, ठीक है. यह आपको अभी इजीली समझाने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, मैं सी एच थ्री ले रहा हूं.
आप मेरे को बताएं, ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री, ये है एक्चुअल पोजीशन पे, ये है इक्विटोरियल पोजीशन में, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। आ गई बात समझ में? तो कंपेयर स्टेबिलिटी। एक और हम बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने यहां ले लिया सी एस थ्री और सी टू एच फाइव इक्विटोरियल पे, और यहां मैंने ले लिया सी टू एच फाइव सी एच थ्री। अब क्या रहेगा? दोनों में ही अल्काइल ग्रुप इक्विटोरियल पे भी एक्शियल पे भी है, लेकिन यहां एक्शियल पे सी टू एच फाइव ज्यादा बल्कि ग्रुप है, जबकि यहां सी टू एच फाइव इक्विटोरियल पे, तो मोर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल। तो यहां लिखना पड़ेगा मोर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने यहां पर लिया सी टू एच फाइव सी एस थ्री इक्विटोरियल पे लिया, फिर मैंने लिया सी एस थ्री सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सी एस थ्री सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सी एच थ्री। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल है दोनों इक्विटोरियल पे हो, यानी बी, फिर एक इक्विटोरियल पे हो और इक्विटोरियल पे बल्कि हो तो डी, फिर ए, एक इक्विटोरियल पे एक एक्सियल, और फिर सबसे ज्यादा दोनों एक्सियल पोजीशन पे हो, दोनों एक्सियल पोजीशन पे कौन सा है? सी। हाँ या ना, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज जो मेरे को आपको बतानी है वो है फ्लिपिंग, लास्ट लाइन लास्ट पॉइंट। फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मान लीजिए यहां पर कोई सी एच थ्री इक्विटोरियल पे है और ये सी टू एच फाइव इक्विटोरियल पे है, ये फ्लिप करता है, जो कि करेगा ही करेगा तो ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट, जब भी ये फ्लिप करेगा ये कार्बन ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और ये जो इक्विटोरियल पे है वो एक्शियल पे हो जाता है, इक्विटोरियल एक्शियल में और एक्शियल इक्विटोरियल में, तो ये तो आ जाएगा सी एस थ्री बिल्कुल नीचे आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहां ऊपर सी टू एच फाइव। समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा आपने? इक्विटोरियल कन्वर्ट इन एक्सियल एंड एक्सियल कन्वर्ट इन इक्विटोरियल, एक्सियल कन्वर्ट इन इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल कन्वर्ट इन एक्सियल। हाँ या ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा? पक्का? अच्छे से?
तो ये हमारे पास रहा अक्षीयल इक्विटोरियल, इक्विटोरियल अक्षीयल, और नीचे वाला कार्बन ये भी चेंज करना पड़ता है, ये लाइनें पैरेलल ऐसे थी, अब इनको ऐसे करना पड़ेगा, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो CH3 पहले क्या था, इक्विटोरियल, अब क्या हो गया एक्सियल, और ये एक्सियल था, अब क्या हो गया इक्विटोरियल। क्या इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 रहेगा? नहीं। कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। तो मैं बोल सकता हूं इस जगह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो आपने लिख लिया एक्सियल कन्वर्ट इन इक्विटोरियल, इक्विटोरियल कन्वर्ट इन एक्सियल, और पैरेलल लाइन जो यूं थी अब यूं हो गई। ध्यान से सुना, पहले यूं थी यूं हो गई, इससे क्या फर्क हुआ, जो पहले यहां था वो अब यहां हो गया, और इतना चेंजेज आ गया। लिख ले बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। आप देखिए, मैं आपको कुछ कंफर्मर्स पढ़ा रहा था साइक्लोहेक्सेन के, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, कैसा है? इस तरह का है, और यहां हमारे पास सपोज CH3 है और यहां CH3 है। अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, क्योंकि ये रियलिस्टिक 3D व्यू नहीं है, ये इसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। 3D स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जाना पड़ेगा, इस तरह से हम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये एक दूसरे के क्या है, सिस या ट्रांस? ट्रांस है, पक्का। तो ट्रांस बनाने के लिए आपके पास यहां पर दो चॉइस हो सकती है, एक CH3 इस तरफ हो और दूसरा CH3 यहां हो, ये भी ट्रांस है, पक्का, 1-2 पोजीशंस। दूसरा कंडीशन ये रह सकता है कि हम इक्विटोरियल CH3 यहां ले और एक यहां ले, ये दोनों ट्रांस है या नहीं है, और इन दोनों में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम भी रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम भी रहेंगे, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली ये। तो जब ये चीज ज्यादा है, ये प्रोडक्ट है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, तो ये जब प्रोडक्ट है तो ये फ्लिप करेगा, और ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसा मैंने कहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ये तो रहा एक नॉर्मल प्रोजेक्शंस, अगर न्यूमान इसको समझाता तो कैसे समझाता, न्यूमान के पास भी कितने कार्बन होने चाहिए, 6, तो वो ऐसे समझाता, देखो ये 1, 2, दो कार्बन हो गए, समझ में आ गया, एक ये फ्रंट वाला डॉट और ये पीछे वाला बैक, ये 1, 2 फ्रंट बैक, समझ में आ रही है लैंग्वेज, कितने कार्बन हो गए, 4, कितने बच रहे, 6। तो साइक्लोहेक्सेन में ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत, और ये वाला जो होगा वो इस तरह से आएगा, यानी ये वाला अंदर से तो ये वाला बाहर से, कोई डाउट। इसके बाकी की कितनी वैलेंसी होगी, 6, 4, तो 1, 2, 3 इस तरह से दिखता है, और एक कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ है, इसकी कितनी देगी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो रहा साइक्लोहेक्सेन का। और एक तरफ हमारे लिए बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो हमें अभी ये हमने CH3 नहीं लगाया, हम किसकी बना रहे हैं, सिंपल साइक्लोहेक्सेन को बना रहे हैं, क्या ये समझ में आ गया। यहां पर इसके लिए H, ये हमने किसको बनाया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ किसको बनाया, साइक्लोहेक्सेन को। अब अपन को कितने मिथाइल ग्रुप लगाने, 2, किस पोजीशन पे लगाना है, 1, 2। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, किसी से भी नंबरिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाएगा, आ रही है लैंग्वेज मेरी समझ में। तो कहां से शो करना चाहते हैं वह आप देख लो, मैंने इसको शो किया इस जगह से, अगर मुझे ये बनाना है और ये एक्सियल बनाना है, क्या बनाना है, एक्सियल, तो सबसे अच्छा लगेगा मेरे को कि मैं यहां CH3 लिख दूं, एक यहां लिख दूं, कितना इजीली लग रहा है, बोलो यस और नो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, दोनों 1, 2 पोजीशन पे है, या मान लीजिए पीछे वाला 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, और ये क्या होगा, 6। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको। और अगर इसको बनाना है, इस वाले को,
तो ये भी ऐसे बनेगा, ये चार कार्बन हो गए, पांच और ये छह, ये इस तरह से जाएगा, एच 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 एच। आप चाहो तो इसके भी बना सकते हो, यहां एच एच दिख रहा है वैसे, ये दूसरा साइक्लोहेक्सेन है, हाँ या ना। लेकिन अब हमें कौन सा बनाना है, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पे। अगर अब हमें इक्विटोरियल बनाना है दोनों, तो ये एक सी एस थ्री यहां ले और एक सी एस थ्री यहां ले, क्या ये दोनों ट्रांस है या नहीं है? हे? वन टू पोजीशन पे इक्विटोरियल दोनों ई ई क्या होंगे, ट्रांस। तो बोलो यस और नो, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना, समझ में आ गया? बस मेरे को यही तो है, समझाना ही तो है आपको, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, समझ में आना चाहिए। इसमें दोनों सी एस थ्री कहां पर है, इक्विटोरियल पे, रिपल्शन कम होगा, जबकि इसमें क्या है, ज्यादा रह रहा है। आपको लगेगा सर कैसे, हमारे को तो बल्कि यहां हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, लेकिन बल्कि ग्रुप सी एस थ्री के बहुत पास आ रहा है ये, और इसके हाइड्रोजन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो जितना सी एस थ्री एक्चुअल पोजीशन पे आता है उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ समझ में आ रहा है बात बच्चा? इसको देख के गलत कर सकता है, इसलिए आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, बनाने में भी ध्यान दीजिए और समझने में भी ध्यान दीजिए। तो क्या आपको ये कंफर्मर समझ में आ गए साइक्लोहेक्सेन के? यस। तो चलिए आगे, अगर हमें कभी भी ये देखा जाए, फिर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूं। इस कार्बन में ये दो कार्बन एक दूसरे के क्या है, पीछे है, ठीक है ना? तो इस कार्बन को इस तरह से ट्रीट करेंगे, इन दोनों कार्बन को यहां ट्रीट करेंगे, कर लिया अपन ने, हाँ या ना। और ये दोनों यानी ये फ्रंट वाला तो ये है फोर्थ नंबर, अगर मैं इसकी नंबरिंग इससे चेक करूं, करता हूं, तो पता है क्या होगा, ये मेरे लिए हो गया नंबर वन कार्बन, टू, ये थ्री जो ये वाला है, फोर फाइव सिक्स, बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेने को कहता है कोई मेरे से कि ये बनाइए आप, ये एक्सियल 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 और ये एक्सियल सी एस सी, और ये सी एस सी देता है, बाकी सब एच है, अप डाउन अप डाउन, सही है, और बनाने को बोलता है। तो क्या बनाने में दिक्कत कहां आएगी, सेकंड के लिए सोचिए, ये सी एस सी कहां दिखाई देगा आपको, बहुत आसान है, मत परेशान हो। आपको लगेगा सर इसको हम कैसे देखेंगे, आपने ये यहां लेना है ना आपको पक्का, और ये कहां लेना है, यहां लेना है, ले लीजिए। तो इसका मतलब इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा, ये जो कार्बन है ये पीछे का है या आगे का है, पीछे का है, बनाना सिखा रहा हूं, और ये कहां का है, फ्रंट का, बहुत सही है, समझ में आ गई बात। अब पीछे का कार्बन है उसकी भी तीन वैलेंसी होगी सी एस थ्री, और यहां पर ये सी एस थ्री, जो ये फ्रंट का है ये तो यहां अटैच होगा, इसको ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं अपन, आ रही बात समझ में? और अब इसके बाद जो भी इसमें आएगा वो क्या आएगा, हाइड्रोजन, ये फ्रंट है तो ये इसका क्या होगा, बैक, बैक के लिए अपन अलग कलर यूज कर लेते हैं, और ये इस तरफ है तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, एच एच, बिल्कुल वही बना दिया जो आप चाहते हो।
बस ध्यान रखना, ये फ्रंट है तो ये बैक है, ये फ्रंट है तो ये बैक हो जाएगा। यहां ये चीज क्या दिख रही है आपको, फ्रंट दिख गया आपको, बोलो यस और नो। और ये क्या दिख जाएगा आपको, बैक। तो ये आपको एक्सियल दिख गया, ये एक्सियल दिख गया, और ये आपको क्या दिख रहा है यहां पर, एच। बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना हुई है, क्या बड़ी, बहुत आसान है, सही है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ बन जाएगा। वैसे अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3 4, अब इस पे बनाना चाहो तो 1 1 पे एक्सियल पे कोई भी ले लो, ऊपर नीचे 2 3 4, 4 पे जो आएगा उसका एक्सियल ले लेना, अपोजिट अपने आप दिखेगा। जरूरी नहीं है कि यही 1 हो। अभी तो हमने क्या करा है, हमने इसी को कोशिश की है कि यही 1 हो, ये 2 हो, ये 3 जाएगा, ये 4 जाएगा, ये 5 जाएगा, ये 6 जाएगा। देखना आ गया आपको समझ में, लेकिन जरूरी नहीं है। आप इसको 1 बना दो, एक्सेल पे यहां डाल दो, अगर ये 1 है 2 3 4, यहां पर एक्सेल पे आ जाएगा, अपने आप ही आपको दिख जाएगा। अंतर ये दिखेगा कि ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, और ये ऊपर है तो वो नीचे होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होगी मेरे वीडियो से। हटा दूं मैं, अमन समझ में आया या नहीं आया अच्छे से? नेक्स्ट क्या टॉपिक होगा मेरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिस, हेडिंग डाल दीजिए।